जोहार साथियों, मैं हूँ रविंद्र गिलुआ। आज हमारे साथ वंशिल हेमब्रम जी है। उनसे अभी युवाओं के लेकर के और आदिवासी समुदाय को लेकर के राजनीति पर चर्चा करने वाले हैं। वंशिल जी, इस पर कुछ अपने तरफ से बात रखिए। सबसे पहले रविंद्र जी जोहार, और सभी युवाओं को जो लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो, सबको जोहार। और आप जैसे बोले कि युवाओं को राजनीतिक पर आने से क्या लाभ होगा और क्यों आना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो अगर हम लोग देखते हैं, पूरा परिस्थिति को देखते हैं पूरा भारत का, तो आप अगर इतिहास की हम लोग टटोलते हैं तो आप देखेंगे कि 3000 साल के इतिहास में जो वैदिक पीरियड था उसमें आज तक में ऐसा जो लोकतांत्रिक, जो संवैधानिक लोकतांत्रिक होना चाहिए वो नहीं हुआ था। उससे पहले अगर जाते हैं पूरे इतिहास में, आदिवासियों का जो इतिहास में पूरे 50,000 साल के इतिहास में, वो चीज़ भी लिखित रूप से संवैधानिक जो लोकतांत्रिक होता है नहीं बना था। अगर हालांकि आदिवासियों के कल्चर में पहले से लोकतांत्रिक स्थापित है, समानता स्थापित है, स्त्री पुरुष समानता की जो स्थापित हुआ है, इसके बाद लोग ये यहाँ हमारा संविधान लागू होने के बाद 75 साल हो चुके हैं, 75 साल लागू होने के बाद आज तक यहाँ पे ऐसे ऐसे सत्ता में लोग काबिज हुए हैं जो लोग स्त्री पुरुष समानता को नहीं मानते, जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग समता स्वतंत्रता बंधुता है उसको नहीं मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे व्यवस्था ऐसे बनाया गया है उन लोगों के द्वारा जो यहाँ पे सिर्फ पैसा जिसके पास है वही चुनाव लड़ सकता है, और जब चुनाव आएगा तो पैसा दे करके चुनाव लड़ना है। बड़ा बड़े लोग जो हैं, लोग ये ऐसे लोग व्यवस्था बनाया हुआ। तो अगर हम लोग इस सब को चेंज करना है तो हम लोग को युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि यहाँ अगर युवा आगे आते हैं तो बहुत सारा चीज़ नए चीज़ दिखेंगे। पढ़े लिखे लोग आगे आते हैं तो इससे क्या होता है, नया रास्ता वो लोग खोज सकते हैं, नए चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। अगर हम लोग युवाओं लोग नहीं आते हैं तो हमसे जो अयोग्य लोग हैं उन लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे। और जैसे आप झारखंड की अगर परिस्थिति हम लोग देखते हैं तो जो लोग कम पढ़े लिखे, जो 8 क्लास 9 क्लास पढ़े लिखे लोग, वो लोग शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। शिक्षा मंत्री अगर वो बनते हैं तो हमारे लिए जो कानून बनना चाहिए, शिक्षा नीति बनना चाहिए, युवाओं के लिए नीति बनना चाहिए, वुमेन्स के लिए नीति बनना चाहिए, चिल्ड्रेंस के लिए नीति बनना चाहिए, विकलांगों के लिए बनना चाहिए, ट्रांसजेंडर के लिए बनना चाहिए, बच्चों के लिए बनना चाहिए, बच्चा पैदा होने के बाद क्या होना चाहिए, ये सारे नीति को अगर तैयार करना है तो निश्चित तौर पर युवाओं को आगे होना और पढ़े लिखे लोगों को आगे होना, तब जाके अच्छा नीति बनेगा। और नीति बनने के बाद हमारे क्षेत्र में जो भी लोग हैं, एक एक युवाओं के लिए एक समता रूपी जो देश का कल्पना कर रहे हैं वो बन सकता है। इसके बाद और चीज़ें जो है, हमारे संविधान में कुछ मिस्टेक हुआ है, जो चीज़ जिसके कारण जो लोग, बहुत अच्छा है हमारा संविधान, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा है और सबसे अच्छा है, लेकिन परिपूर्ण नहीं है। तो क्यों परिपूर्ण नहीं है, कि उसमें कुछ कुछ लूपहोल्स होने के कारण जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कारण ये है कि आप देखते हैं कि हमारे संविधान में ह्यूमन राइट्स लागू नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान जो है प्री ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स लागू होने से पहले है, क्योंकि हम लोगों ने ये इंटरनेशनल चार्टर को साइन किया 1945 में, इसके बाद UDHR को हम लोग साइन किया 1948 में, इसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को हम लोग साइन किया, इसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल कल्चरल एंड इकोनॉमिक्स राइट्स को हम लोगों ने साइन किया। तो इन सारी चीज़ों को राइट हम लोग साइन करने के बाद आज हम लोग को ज़रूरत पड़ रही है कि जो ग्रास रूट में जो एक एक इंसान का जो मूल्य होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, वो प्रस्थापित नहीं हो पाया। इसीलिए हम लोग को सबसे पहली बात तो संविधान में हम लोग को इसको इंक्लूड करना होगा, ये मानवाधिकार को। इसके बाद इसमें हम लोग को करना होगा कि जो लोग संविधान की वायोलेशन करते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल, कोई भी नौकरशाह चाहे क्यों ना हो, अगर संविधान का वायोलेशन करता है तो उसको भी हटाया जाए, इसका प्रावधान संविधान में आना चाहिए। अगर इसके बाद पूछना चाहेंगे सोचते हुए, आदिवासी लोग के लिए राजनीति जरूरी क्यों है, या फिर आदिवासी लोग के लिए लाभदायक क्यों है, इस पर चर्चा करें। आदिवासियों को अगर के बारे में अगर आप पूछते हैं तो आप देखिएगा कि हमारा जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और आप जानते हैं कि आदिवासी लोग जो पूरे वर्ल्ड में 90 से ज़्यादा कंट्री में निवास करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आदिवासी रहता है सिर्फ भारत में, सबसे ज़्यादा भारत में रहता है, अभी करीब करीब नहीं भी तो 12 करोड़ आसपास आदिवासी भारत में है।
तो हम जानते हैं कि पूरा हमारा जो भारत है, भारत में जो अगर हम ये करते हैं प्राकृतिक संपदा को अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं पैसा में, तो नहीं करीब करीब 1410 लाख करोड़ रुपया का संपत्ति है, 1410 लाख करोड़। उसमें से पूरे 70% जो माइंस एंड मिनरल्स है हमारे आदिवासियों की ज़मीन में, तो उसको अगर हम लोग को प्रस्थापित करना है, उसको हमारे प्रैक्टिकली अगर हम लोग को उसका अधिकार हम लोग को चाहिए, तो संविधान में और उसको हम लोग को कुछ कानूनी की ज़रूरत है जो उसको हम लोग को ये संविधान में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इसको नहीं करते हैं तो जो प्रैक्टिकली जो उसका जो हम लोग आज पूरी तरह से हम लोग अत्याचार अन्याय कर करके हमारे जमीन से विस्थापित करके पूंजीपति हमारे ये को ले पा रहे हैं, तो अगर इसको हम लोग अधिकारों को हम लोग प्रस्थापित करते हैं संविधान में, इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में 20-25% के भी अगर हम लोग शेयर होल्डर बनाते हैं तो नहीं भी तो कम से कम 400 लाख करोड़ रुपया का हम लोग यहाँ का मालिक बन सकते हैं। तो 400 लाख करोड़ रुपए का आदिवासी अगर बनता है तो निश्चित तौर पर किसी को यहाँ हम लोग आज एक वक्त की रोटी के लिए जो मोहताज हैं वो नहीं होना पड़ेगा। इसके बाद संविधान में हम लोग का आदिवासी सब इंक्लूड नहीं है। अगर हम लोग को आदिवासी शब्द अगर इंक्लूड करना है, क्योंकि इंक्लूड करना ही होगा, हमारे आदिवासियों का जो जीवन रहन सहन और कल्चर को हम लोग को बचाना होगा, तो इसको करना ही होगा। इन सभी के लिए हम लोगों को, युवाओं को और आदिवासियों को आगे आना होगा, और क्षेत्र लेवल की राजनीति से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम लोग को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर राजनीति करना होगा, क्योंकि हमारा मुद्दा केवल क्षेत्रीय नहीं है, हमारा केवल राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय के साथ साथ हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय हमारा मुद्दा है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग को राजनीति करना होगा, और युवाओं को ऐसे युवाओं को आगे आना होगा जो समझ रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, हमारे लोगों के लिए सोच रहे हैं आगे आने वाला 50 साल में हमारा स्थिति क्या होने वाला है, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग कैसे बदलाव कर सकते हैं, हमारे लोगों को अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, शिक्षा से काफ़ी पिछड़े हुए हैं हम लोग, गरीबी हमारे समुदाय में काफ़ी छाया, उसको कैसे आगे लेके आना है, कैसे अपलिफ्ट करना है हमारे लोगों को, तो इसको अगर करना है तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को आगे आना होगा। और आप दो तीन चीज़ आपको राजनीतिक में देखना होगा, पहली चीज़ आपको पढ़े लिखे और अपने अधिकारों से आपको रूबरू होना है, दूसरी बात आपका किसके नेतृत्व में आप राजनीतिक कर रहे हैं, जो आपका जो मार्गदर्शन होगा जिसके नेतृत्व में आप करेंगे, क्या वो पूरे इंटरनेशनल लोग को जानते हैं, क्या आप वो इंसान इकोनॉमिक्स को जानते हैं, क्या वो हिस्ट्री को जानते हैं, क्या वो राजनीति को जानते हैं, क्या वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा है, तो पूरे इंटरनेशनल में जो भी कन्वेंशन हुआ है उन कन्वेंशन को जानता है, अगर इन चीज़ों को जानता है तो उस पर उसके साथ आपको आना होगा। इसके बाद तीसरी बात यह है कि वैसे विचारधारा से आपको जुड़ना होगा जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय को मानता हो, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता हो, जो स्त्री पुरुष समानता की बात करता हो, जो हर एक इंसान के जो वैल्यू है उसको, उसका अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात करता हो, उससे वैसे विचारधारा से आपको जुड़ना होगा। अन्यथा जो पूरे कॉन्सेप्ट को जो बदलने की बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि रविंद्र जी अगर आप और कुछ ये करना चाहेंगे तो बहुत बातें तो है, यहाँ पे हमारा क्षेत्र है शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो CNT एक्ट है, यहाँ पे CNT एक्ट आप अगर आर्टिकल 46 में देखेंगे तो हमारा ज़मीन बाहरी लोग नहीं ले सकता है, हमारे जो OBC लोग का ज़मीन दूसरे लोग नहीं ले सकता है, SC लोगों का ज़मीन दूसरे लोग नहीं ले सकता है, लेकिन जनरल हमारा ज़मीन कैसे ले, आप चक्रधरपुर की स्थिति देख लीजिए कैसे ले रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि हमारा जो राजनीतिक करने वाले लोग है इन लोगों के मिली भगत और यहाँ के SDM जितने भी लोग हैं प्रशासनिक अधिकारी, इन लोगों के मिली भगत से हमारे ज़मीनों को लूटा जा रहा है, इसको अगर बदलना है। इसके बाद ये पछुआ निशी क्षेत्र के इतना धड़ल्ले से हम लोग का अधिकारों का हनन हो रहा है, यहाँ पेशा है पेटा 1996 लागू होने के बाद, रविंद्र जी आप जानते हैं कि झारखंड में स्टेट पेशा बना ही नहीं है, स्टेट पेशा बना ही नहीं है, फिर भी यहाँ क्षेत्र में ये हमारा पंचायत चुनाव करवा रही है सरकार। यहाँ पे पचोनू क्षेत्र में अगर देखेंगे तो 243 ZC भी साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप नगर पालिका चुनाव नहीं करा सकते हैं। कितने हमारा अधिकारों का वायोलेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को हम लोग राजनीतिक में लेके आए हैं जो ना कानून का जानकार है, ना कानून कैसे बनाया जाए उसका जानकार है, ना उसको कैसे टेबल करना है, कैसे बिल को बनाना है उसको जानता है। तो हमारा अधिकारों को वायोलेशन होने का कारण ये है कि अच्छे
पढ़े लिखे लोगों को हम लोगों ने प्रमोट नहीं किया है। अगर हम लोग प्रमोट करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय में हम लोग इतना हम लोग काम कर पाएंगे। जो व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, हर इंसान का जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करने की बात है, हम लोग कर पाएंगे। अन्यथा हमको नहीं लगता है कि अगर इन्हीं लोगों को हम लोग अगर करते रहेंगे, हमारे भावनाओं से खेलेंगे, हमारे भावनाओं से खेल करके वो लोग वोट बैंक की राजनीति करेंगे और वो लोग सत्ता में काबिज होते रहेंगे। बातें तो ज़्यादा होगी, लेकिन हम चाहेंगे कि इस मैटर को, मतलब इस मुद्दे को बाद में और भी बात किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों का जो मकसद था उस पर बहुत अच्छे से बातें रखे हैं, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद रविंद्र जी।